once again. Hey फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, होप आप सब ठीक होंगे. और सुनाइए, आजकल कोरोना के कारण सब अपने अपने घरों में ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो टाइम स्पेंड करना इतना मुश्किल हो चुका है ना. खैर, लेडीज़ के लिए फिर भी ये है कि घर का काम कर लो तो टाइम निकल जाता है. बच्चों का काम करो, वो घर का काम करो, ये करो वो करो, तो काफ़ी हद तक हम लोग बिज़ी रहती हैं. लेकिन स्टूडेंट्स और हस्बैंड और बॉयज़, इन सब के लिए बहुत मुश्किल टाइम है. और इसमें हम सब प्रेयर कर सकते हैं कि भगवान से, कि जितनी जल्दी हो सके ये जो वायरस हमारे बीच में, हम इंसानों को इंसानों से दूर कर रहा है, ये जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाए, ख़त्म हो जाए, और हम लोग फिर अपनी लाइफ वैसे ही हैप्पी हैप्पी और सबसे मिलजुल कर अच्छे से स्पेंड कर सकें. और बाकी फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है. जी हाँ, ये मेरा पहला ब्लॉग है. आई डोंट नो कि मीन्स कि आपको कैसा लगे. कोई बात नहीं, अगर कोई खामी हुई, कोई कमी दिखी आप लोगों को, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा. क्योंकि अगर कोई मुझे बताएगा नहीं कि मुझ में क्या कमी है, तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं उसको सुधार नहीं पाऊँगी. इसलिए जो भी है, मतलब प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर मुझे. और फ्रेंड्स, मैं इस वक्त ग्रीस में हूँ और बेसिकली मैं इंडिया पंजाब से हूँ. और आपको मैं दिखाऊंगी भी. ग्रीस का वेदर इतना अच्छा है ना, अक्टूबर का मंथ है और लेकिन वेदर इतना अच्छा है कि ये देखिए कि समर की तरह हम लोग बैठे हैं. मीन्स कोई स्वेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, और धूप बड़ी अच्छी निकलती है. और अच्छा है ग्रीस का वेदर, काफ़ी अच्छा है. और बाकी मेरे को प्लीज़ आप लोग गाइड जरूर करिएगा कि मैं किस तरह के ब्लॉग बनाऊँ. मीन्स कुकिंग के या जस्ट नॉलेज. मीन्स मैं आपको ग्रीस के बारे में नॉलेज दे सकती हूँ कि ग्रीस में मीन्स पेपर्स कैसे मिलते हैं और क्या लाइफ है यहाँ की और ये सब कुछ. और उम्मीद, आपकी उम्मीद पे खरी उतरूँ, ये पूरी कोशिश करूँगी. और बहुत मेहनत करके एक ब्लॉग बनता है, जो कि मैं जानती हूँ. क्योंकि खैर, मैंने कभी ब्लॉग बनाए नहीं, लेकिन जो लोग बनाते हैं, सल्यूट है उनको. बहुत मुश्किल होता है कि एक अपनी लाइफ को किसी के साथ शेयर करना, फिर उसकी एडिटिंग, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी, मीन्स सब कुछ. और कुछ हमसे कोई गलती होगी, उसको काटना, उसको दोबारा से रिपीट कुछ करना, तो मीन्स काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट है. लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल तो कुछ भी नहीं, लेकिन करो तो सब कुछ आसान हो जाता है. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ब्लॉगर्स इन द वर्ल्ड. हमारे इंडियंस, पाकिस्तान, जहाँ के भी कोई भी ब्लॉगर्स है, लेकिन बहुत मेहनत सही बात है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और उनको सबको मेरा ऑल द बेस्ट कि वो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएं और हमें भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलें और हम लोग भी कुछ कर सकें. तो इसी के साथ, हैव अ नाइस डे.